दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे आपके फोन पे के अकाउंट से किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोन पे से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद जो भी पिन या फिर फेस आईडी, टच आईडी से जो है आपके फोन पे के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आपको इधर रिचार्ज एंड पे बिल्स के इधर ऑप्शन में आपको क्रेडिट कार्ड बिल का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें से कौन सा कैटेगरी का कार्ड क्रेडिट कार्ड है, जैसे वीसा है, रुपए, मास्टर कार्ड, डाइनर क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, तो जो भी कैटेगरी में आपका कार्ड है उस पर आपको कार्ड में लिखा रहेगा, तो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो कार्ड है वीसा कार्ड है, तो मैं वीसा सिलेक्ट करेंगे। वीसा सिलेक्ट करने के बाद आपका कार्ड का जो नंबर है क्रेडिट कार्ड का, वो नंबर आपको इधर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल देंगे कार्ड का। कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर जो एंटर अमाउंट आपका ऑप्शन आ गया। तो आपके क्रेडिट कार्ड में कितना आउटस्टैंडिंग बिल है, कितना ड्यू है, वो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि डेबिट फॉर्म, इसमें मेरा एक्सिस बैंक अकाउंट लिंक है, ठीक है। तो मुझे जो है पहले आपको आपके फ़ोनपे के अकाउंट में एक बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा, और उस बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करने के बाद जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सारे ट्रांजेक्शन आपके उस बैंक अकाउंट से होने वाले हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो है आपके फ़ोनपे के अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर क्लिक करके जो है आपके फ़ोनपे के अकाउंट में एक बैंक अकाउंट नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसका कितना टोटल अमाउंट ड्यू है वो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे एक्सिस बैंक का जो एप्लीकेशन है हमारा। तो हमारा जो अमाउंट ड्यू है, टोटल क्रेडिट यूटिलाइज्ड 10349, मतलब 10,349.10। तो इतना अमाउंट जो है हमें उधर डालना पड़ेगा। कर देते हैं 10,350, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमने पॉइंट जो है नहीं डाल सकते, तो जैसे हम इसके अमाउंट डाल दिया उसके बाद आपको इधर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे 10,350, उसके बाद आपको नीचे जो है पे बिल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पे बिल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी है, यूपीआई के आईडी का जो पिन है वो आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मेरा एक्सिस बैंक का जो अकाउंट है उसका यूपीआई पिन हम डाल देंगे। उसके बाद हम नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग पेमेंट, तो हमारा पेमेंट जो प्रोसेसिंग में है और कुछ ही समय में जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो है पेमेंट प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी, और कुछ ही समय में हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके लिए हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है ये सक्सेसफुल हो गया है, और उसके नीचे आप व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका सारे ट्रांजेक्शन डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं, जैसे यूटीआई नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारे डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है आपके फ़ोनपे के अकाउंट से आपके या फिर किसी और के क्रेडिट कार्ड के बिल को जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इसको क्लोज करेंगे और अपना एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड ये ऐप है उसमें हम चेक करेंगे कि इधर अपडेट हुआ है कि नहीं। तो इधर हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि तुरंत जो है अपडेट नहीं होता, तो हम इसको क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर जाएंगे। तो जो है अभी तक इधर जो है अपडेट नहीं हुआ है, और कुछ ही समय में जो है अपडेट हो जाएगा। यूटिलाइज अमाउंट जो है 47, तो ये अमाउंट जो है अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एक या दो घंटे के अंदर जो है इधर जो हमारे इधर जो टोटल क्रेडिट यूटिलाइज है इधर जीरो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आया हो, और इस जानकारी से जुड़ो आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करके। थैंक यू।